लॉकडाउन के बाद चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो छोटी मोटी चीजें तो छोड़िए, पूरी की पूरी यात्री बस ही चोरी करने की हिमाकत कर बैठे। मामला बैतूल का है, जहां पिछले 3 महीनों से यात्री बसों के पहिए थमे हुए हैं और बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बस इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर 3 चोरों ने एक पूरी बस ही चोरी कर ली और बस को लेकर वो इंदौर की तरफ भाग रहे थे। जब बस मालिक को स्टैंड पर बस नहीं दिखी तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फौरन जिले भर में नाकेबंदी कर दी, जिसका असर ये हुआ कि चोरी के कुछ घंटे बाद ही बस सहित 3 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इन्हें चिचोली थाना क्षेत्र के ग्राम जोगली के पास पकड़ लिया। 3 आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं बस और चोर मिलने के बाद बस मालिक और पुलिस दोनों ने ही राहत की सांस ली है। इस घटना के बाद अब बस ऑपरेटर भी सतर्क हो गए हैं और वो अपने वाहनों के आसपास रतजगा कर रहे हैं। जी बता, बस कहाँ खड़ी थी और क्या घटना हुई थी? ये गाड़ी 3 माह पूर्व से बस स्टैंड पर खड़ी थी लॉकडाउन लगने की वजह से, जो वहीं पे खड़ी थी। हम सप्ताह में 1-2 रोज आके देखते थे, मगर आज आए जब हमने गाड़ी देखी 4:30 बजे तो हमें गाड़ी नहीं मिली। हमने उसके तुरंत थोड़े देर तो हमने खुद ने ढूंढने की कोशिश करी, उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट करी, जिसके उपरांत गवर्नमेंट पुलिस प्रशासन तरफ द्वारा गाड़ी को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई। उसके बाद में करीबन ये हिसाब के आते अनुसार सभी दूरों उन्होंने वायरलेस कर दिए थे, जिससे चिचोली रूट पे भी वायरलेस हो गया था। फिर कुछ देर बाद पता लगा कि चिचोली के समीप जोगली पे गाड़ी पकड़ी गई। कितने आरोपी? उसमें आरोपी 3 बताए गए। कहाँ से बस चोरी हुई थी और बैतूल बस स्टैंड से हुई थी। पुलिस ने कितनी देर में वो पकड़ा? लगभग 1.25 घंटे बाद उसको ले लिया गया था। जब हम 4:30 बजे यहाँ पुलिस को इतला दिए तो उन्होंने 5:45 और 6 बजे के लगभग गाड़ी, अगर सब देरी हो जाती तो बस नहीं मिल पाती। सर बताइए क्या मामला था या पूरा किस तरह से चोरी की घटना? आज शाम को 6 बजे करीब बस स्टैंड से एक व्यक्ति ने आकर के थाने में सूचना दी कि सर हमारी MP 48P 9911 शारदा ट्रेवल्स की बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी, जिसे अज्ञात व्यक्ति ले गए हैं। इस संबंध में जैसे ही सूचना थाने पर प्राप्त हुई, तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले के सभी थानों को अवगत कराया गया कि इस नंबर की बस यदि आपके थाना क्षेत्र में मिलती है तो आप तत्काल थाना कोतवाली को सूचित करें। उसके करीब 1 घंटे बाद थाना चिचोली के ग्राम जोगली के पास में ये बस मिल गई। तो उस बस में 3 व्यक्ति मिले, जिनके नाम शिवराज, पप्पू और संतोष हैं। पुलिस ने बस और 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है कि उन्होंने घटना को क्यों अंजाम दिया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। कितने समय में सर बस को ढूंढ लिया गया? लगभग 1 से 1.25 घंटे के भीतर में बस मिल गई है पुलिस को। सर आरोपी को कोई पिछला रिकॉर्ड या क्या कारण? अभी उस बारे में उन तथ्यों पर जाँच की जा रही है, आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे और कार्रवाई की जाएगी।